पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के अणु में अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने शिरकत की। इस अवसर पर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की खोखो की टीम को भी हार व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। खोखो इंटर कॉलेज की टीम 26 से 30 सितंबर तक पटियाला में राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में खोखो टीम ने नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई कि वे प्रदेश का नाम रोशन करें, साथ ही प्रण लिया गया कि उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष भर में सभी राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, प्रण किया गया कि जो विचार उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए दिया है, उस विचार पर काम करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाए। इसके सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को आधार मानकर अपनी नीतियां, अपनी केंद्र सरकार की नीतियां बनाई, जिसके कारण देश के करोड़ों लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचा। अटल वेलफेयर सोसाइटी ने वर्ष भर नशा मुक्त खेल युक्त अभियान चलाया, जिसके तहत 40 कार्यक्रम पूरे वर्ष भर किए गए। आज समापन के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया और उन्हें यहां से ब्रांड। गौरतलब है कि पटियाला के देशभक्त यूनिवर्सिटी परिसर में 26 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तरीय इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की टीम आज हमीरपुर से रवाना हुई है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित कर इस दिवस को मनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।